good morning assalamu alaikum students today date is 3 september 2020 and day is thursday and we will start chapter 13 electrostatics in this chapter we will read about different types of charges how charges are produced and detected we will read about the production and detection of charges we will do different experiments and we also नो अबाउट वट इज स्कूल वट आर द कैपेसिटर्स रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वील डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस सच एज इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वो यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टैटिक चार्जेस की ठीक है वी विल ऑल्सो डिस्कस सम यूज एंड सेफ्टी मेयर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकसिटी द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिक सिटी कि वो चार्जेस उन चार्जेस के बारे में हम स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे होते हैं ठीक है और उन उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं ठीक है द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट वो चार्जेस जो कि रेस्ट पर होते हैं अगर हम उनकी स्टडी करेंगे ठीक है सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक थर्टीन पॉइंट वन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वी रन अ प्लास्टिक कॉम थ्रू आवर हेयर एंड देन ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर द कॉम अट्रैक्ट्स दैम सिमिलरली एम्बर वैन रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट्स द स्माल पीसेज ऑफ पेपर कह रहे हैं कि आप देखें कि जब आप आपके बेशक हेयर्स में ऑयलिंग ना हुई हुई और ठीक है आप क्या करते हैं कि अगर अपने हेयर्स में कॉम करते हैं और उसके बाद छोटे चोड़ छोटे पीसेस आप पेपर के करें और ऐसे टेबल पे या ज़मीन पे छोड़ दें ठीक है उसके साथ आप कॉम को जब इस तरह हाथ से उसके करीब ले कर तो आप देखेंगे कि उनके दरमियान में क्या होगी अट्रैक्शन होगी वो पीसेस कॉम को अट्रैक्ट कर रहे होंगे उसके साथ चिपक जाएंगे ठीक है अच्छा जी देन वो कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर एक वुड है आप उसको सिल्क का कपड़ा है इसके साथ रब करें ठीक है और इसी तरह पीसीज ऑफ पेपर पे लेके जाएं तो वो उनके दरम्यान भी, भी क्या होगी अट्रैक्शन होगी दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की दो सब्सटेंसेस के बीच में इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रबिंग ये किस वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से है जो कि रब करने के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं ठीक है थीके? वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज by rubbing अ न्यूट्रल बॉडी विद another न्यूट्रल बॉडी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करके यानी कि आप देखें कि कॉम के ऊपर भी पहले से कोई चार्जेस नहीं थे वो भी न्यूट्रल थी न्यूट्रल कहते हैं जिसके ऊपर पहले से कोई चार्जेस ना हो नो चार्ज बॉडी ठीक है और हमारे हेयर्स भी चार्ज नहीं थे ठीक है हमने न्यूट्रल को न्यूट्रल से जब रब किया तो उनके दरमान में क्या प्रोड्यूस हो गए चार्जेस प्रोड्यूस हो गए द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ शोज़ डेट we can प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ rubbing अब ये एक्टिविटीज़ हमें बताएंगी कि हम किस तरह से दो बॉडीज़ को रब करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट वन है टेक अ प्लास्टिक रोड एक प्लास्टिक रोड लें ठीक है रब इट विद फर एंड सस्पेंड होर्जेंटली बाई अ सिल्क थ्रेड ठीक है अब उसको आप क्या करें कि फर से रब करें ठीक है और उसको हॉरजेंटली आप क्या करें लटका दें ठीक नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रोड अब एक और प्लास्टिक का रोड लें ठीक है एंडराप फ नियर टू द सस्पेंडेड रोड और उसको तो फिर रब करें सिल्क के साथ और सस्पेंडेड प्लास्टिक रोड के पास लेके आएँ ठीक है वी विल ऑब्जर्व डैट बॉड द रोड विल रिपेल ईच अदर आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करें एक दूसरे को दोनों रिपेल कर रहे हैं यानी कि जुड़ नहीं रहे हैं एक दूसरे के करीब आने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं ठीक है एक दूसरे को क्या कर रहे, रहे हैं एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ठीक है इट मीन्स ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रोड्स वर चार्ज इसका मतलब है कि दोनों प्लास्टिक के रोड थे दोनों को हमने सिल्क के साथ रब किया दोनों चार्ज हो गए और दोनों के ऊपर कौन से चार्जेस आए हैं सेम चार्जेस आए हैं या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आए हैं या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आए हैं ठीक है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं क्योंकि जब दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं एक के ऊपर नेगेटिव आते तब वो क्या करते अट्रैक्ट करते ठीक है क्या है हमारे पास कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं लेकिन सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं ठीक है नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट टू नाउ टेक अ ग्लास रॉड एक ग्लास रॉड लें ठीक है एंड रब इट विद सिल्क एंड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली उसको सिल्क के साथ रब करें और उसको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दें ठीक है लटका दें वन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद नियर फर्ट सस्पेंडेड रॉड ग्लास रॉड वी ऑब्जर्व डेट बोथ रोड अट्रैक्ट इच अदर अब क्या था एक ग्लास रॉड था और एक प्लास्टिक था पहले दोनों प्लास्टिक थे अब एक ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक है ठीक है आपने इसको रब किया प्लास्टिक को तो इसके ऊपर फ़र्ज़ करें नेगेटिव चार्जेस आए इस ग्लास रॉड को रब किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आए ठीक है सेम चार्जेस नहीं थे डिफरेंट चार्जेस थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ये यार क्या बता रहे हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है अच्छा जी अब मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि फ़र्स्ट एक्टिविटी में दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आए थे जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करें रिपेल करें सेकंड एक्टिविटी में दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस थे सेम चार्जेस नहीं थे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है अच्छा उसके बाद क्या है दस अपोजिट चार्जेस आर कॉन्वेंशली कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड नगेटिव चार्जेस अब ऑपोजिट चार्जेस जो उनसे हैं उनको हम क्या कहते हैं या तो पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर अब जब रब का प्रोसेस होता है रबिंग का तो नेगेटिव चार्जेस वहाँ से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं ठीक है थीके? अब फ्राम दीज एक्टिविटीज़ विच कंक्लूड डेट चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट आरपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट चार्जिज किसी भी मटीरियल बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट या रिपेल करती है दूसरी बॉडी को ठीक है फ्रिक्शन प्रोड्यूस डू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक जब आप दो डिफरेंट टाइप्स को दो डिफरेंट टाइप चार्जेस हैं ठीक है दो डिफरेंट मटीरियल हैं उनके ऊपर दो डिफरेंट चार्जेज हैं जब आप उनको क्या करेंगे इस तरह से रिपेल करेंगे तो उनके दरम्यान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी ठीक है फ्रिक्शन मैंने आपको पहले भी आप पीछे पढ़ के नाइन्थ क्लास में आ चुके हैं फ्रिक्शन कहते हैं रुकावट को ठीक है लाइक चार्जेस ऑलवेज़ रिपेल ईच अदर एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी और अगर दो बॉडीज़ आपस दो बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं ठीक है एक दूसरे को अपने करीब नहीं आने दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो चार्ज हो चुकी हो चुकी हैं अगर हमें किसी भी बॉडी के ऊपर चेक करना है उसके ऊपर चार्जेस हैं या नहीं टेस्ट करना है तो रिपल्शन उसका बहुत बेस्ट टेस्ट है ठीक है नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है ठीक है इफ़ वी ब्रिंग प्लास्टिक चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है अगर हम उसको न्यूट्रल एल्युमोनीय रोड के पास लेके ठीक है न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर बिल्कुल वो चार्ज बॉडी नहीं है ठीक है रोड रोड दोनों रोड क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है अच्छा जी दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज रोड शोज इफ बोथ अब ये क्या बता रहे हैं कि अब प्लास्टिक का जो सा है वो चार्ज है लेकिन ये चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं क्यों द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज रोड्स जो चार्ज और अनचार्ज रोड्स के दरम्या में अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान में इफ़ बोथ रोड्स हैव अनलाइक चार्जेस तो मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर चार्जेस कौन से हैं अनलाइक है अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो इसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हमने बॉडी को पहले से चार्ज नहीं किया हुआ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी के ऊपर चार्जेस नहीं है। body हैं बॉडी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं ठीक है अच्छा तो इसके नेगेटिव चार्जेस या इसके पॉजिटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस के साथ क्या किए अट्रैक्ट किए ठीक है बट दिस इज़ नॉट ट्रू लेकिन ये सही नहीं है चार्ज प्लास्टिक रोड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल एलमोनियम रोड विच इज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम कह रहे हैं कि जो चार्ज प्लास्टिक रोड था उसने एलोमोनीम रोड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डिसमेंट की उसने उनको ट्रांसफ़र किया ठीक है बट टोटल चार्ज ऑन एलमोनियम रोड इज स्टिल जीरो लेकिन अब अभी तक एल्यूमोनियम रोड के ऊपर जो टोटल चार्जेस हैं वो जीरो ही हैं ठीक है क्योंकि वो न्यूट्रल था ना तो इनका कहना है कि जो प्लास्टिक रोड था उसने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर शिफ्ट किए हैं ठीक है थीके? तब उनके दरम्यान में अट्रैक्शन हुई है इट इम्प्लाइज दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट द शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी अब अट्रैक्शन हुई है इनके ऊपर लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं है कि किसके ऊपर कितने चार्जेस थे इसका मतलब है कि अट्रैक्शन एक शोट टेस्ट नहीं है ठीक है कि बॉडी चार्ज है या नहीं है ठीक है द अबव एक्टिविटी शोर्स अ इनोमिना देट इज़ कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और अबव एक्टिविटी हमें क्या बताती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको एक्सप्लन करिए ठीक है थीके? अब हम एक और टेस्ट कर लेते हैं ब्रिंग टू मेटल स्पेयर्स एंड बी एंड फिक्स डैम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड दो मेटल स्पेयर्स लें ए और बी ठीक है और इनको एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर फिक्स करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिकटी पास नहीं हो रही होती ठीक है सट दैट दे टच ईच अदर कि एक दूसरे को टच कर रहे हो ठीक है जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है नाउ बनेगा पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर स्पेयर ए अब क्या करें कि एक चार्ज रॉड लें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं ठीक है आपको कुछ आप, आप श्योर हैं किसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको रॉड स्फेयर ए के पास लेके आएँ रोड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इट अब रोड क्या करेगा इस फेयर के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को दूर कर देगा पॉजिटिव चार्जेस दूसरे सिरे पर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इसके पास आ जाएंगे ठीक है नेगेटिव चार्जेज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सर्फिस ऑफ द स्पेयर ए विच इज़ क्लोज टू द बी वाइल पॉजिटिव चार्जेज विल अपेयर ऑन द राइट साइड ऑफ स्पेयर बी अब जब इस पॉजिटिव ने नेगेटिव अपने पास खींच लिए तो यहाँ पे सारे कौन से आ जाएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे जब यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे तो वो स्फेयर बी के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा और स्पेयर बी के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इस साइड पे आ जाएंगे ठीक है नाउ सेपरेट द स्फेयर वाइल द रोड इज स्टिल नियर द स्फेयर ए अब रोड इधर ही रहे लेकिन आप बी को थोड़ा सा दूर ले जाएं ठीक है नाउ इफ़ यू टेस्ट द टू स्फेयर्स अगर आप इनको टेस्ट करें यू विल फाइंड दैट टू स्फेयर्स विल बी ऑपोजिटली चार्ज तो आप देखेंगे कि इन दोनों स्फेयर्स के ऊपर हैं ऑपोजिटली चार्ज हैं ठीक है आफ्टर अब सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसके ऊपर आ गए हैं और सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर आ गए हैं किसकी वजह से रॉड की वजह से ठीक है द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फिस ऑफ स्फेयर इन दिस प्रोसेस एंड इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ईच मेटल सर्फिस दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन अब क्या है कि इसका मतलब है कि ऑपोजिट इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस दोनों मेटल सर्विस पे आ गए हैं ठीक है तो ये क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन है वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एज इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी किसी भी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप पॉजिटिव चार्जेस इंसुलेटेड कंडक्टर क्या डिवेल्प करेगा पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि चार्ज बॉडी के ऊपर कौन से चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस ठीक है एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्जेस एट दी अदर एंड और नगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे जाएंगे जिस प्रोसेस इज कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे कि किसी भी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में एक इंसुलेटेड कंडक्टर अपने एक सिरे पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्जेस तो डेवलप करेगा इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे